के ब्लॉग स्किप मत करना, पूरा देखना जो फार्मर आने वाले हैं ना, पूरा स्नो स्नो यार, इट गोना बी क्रेजी। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ये वीडियो पूरी देखना, ध्यान से देखना। जो पार्ट है ना, जो घूमने का, पूरा शिमला घूमने का, ये मैं दो पार्ट में रिलीज कर रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट अभी मैं रिलीज कर रहा हूँ, सो पूरी वीडियो यार अच्छे से देखना। एंड एक बहुत ही अच्छा सा ब्लॉग बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई होप यू गाइस विल एंजॉय इट। इट इज रियली सनी एंड लेट्स होप, ऐसा कुछ यार ठंडा नहीं है जितना कल रात को था, बट आई थिंक कि यार बस हमें स्नोफॉल मिल जाए जिसके लिए मेन हम आए हैं। एंड हमारे ड्राइवर भैया नीचे खड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे नो एंट्री हो जाता है मॉर्निंग में, सो नो एंट्री की वजह से हमें नीचे जाना पड़ेगा चल करके। अच्छा एक फनी पार्ट बताता हूँ, हमारे बाथरूम में इतना ठंडा पानी था, हमें बता जरा जब तू नहाने के लिए गया या फिर हाथ धोने के लिए गया, क्या हुआ तेरे साथ में? हालत खराब हो गई भाई। पानी तो यहाँ का ट्राई मत करना कभी। सीरियसली मैन, पानी का टेम्परेचर अगर मैं बताऊँ ना, 0 डिग्री होगा, साला माइनस में भी होगा, वो क्रिस्टल बन के निकल रहा था। क्रिस्टल तो नहीं, ये कुछ ज़्यादा हो गया, बट हाँ 0 डिग्री तो बड़े आराम से होगा। अगर हल्की सी भी अगर उंगली तुम्हारी अगर पानी में जाती है तो लाइक फक सुन हो जाता है। चलो यार स्टीप तो इतना है कि आपको दिखाते हैं, देखो थोड़ा चल करके ये गया और ये ऐसा, ये स्टीप है। माँ कसम मर गया रे बाबा, इतनी तेज नहीं जाना चाहिए था, गॉड मैन। ओके गाइस, सो गाड़ी आ गई है एंड अब चल के एक बार थोड़ा सा नाश्ता कर लिया है क्योंकि भूख लग रही है लिटरली बहुत तेज से, सो कुछ खा लिया जाता है ना, आफ्टर एक्सप्लोर करते हैं यार और आपको दिखाते हैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ की, जो शिमला की जो भी फेमस चीज़ें हैं। दिस इज़ द मेडिकल कॉलेज ऑफ शिमला, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला। सो ये क्या बोलते हैं उसका ना, क्या नाम है, आयुर्वेद वाला? हाँ अच्छा, MBBS मेडिकल कॉलेज है, आयुर्विज्ञान है ना, आयुर्वेद नहीं है। ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं एंड ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ से, बट भैया के हिसाब से अभी कोई व्यू नहीं है, जब आगे चल के भैया एक जगह स्टॉप करेंगे सो वहाँ पे एक अच्छा सा व्यू दिखेगा, तो तब तक चल के यार ब्रेकफास्ट कर लें, देन आफ्टर दिखाते हैं आपको वो वाला व्यू भी। ओके ओके, आलू के पराठे ऑर्डर किए एंड चाय ऑर्डर की, भाई क्या सही लग रहे हैं, मज़ा आ गया। आलू के पराठे, चाय, एंजॉइंग। इसको पहले फिनिश करते हैं, देन आफ्टर मिलते हैं आप लोगों से। बहुत सही चाय थी, सीरियसली मैं बहुत सही चाय थी। एंड ऐसा कुछ यार महंगा भी नहीं था, अच्छा था, डिसेंट था, अच्छा था एंड रियली बहुत सही था। चले भैया चलो। ओके गाइस, सो वी जस्ट रीच ग्रीन वैली, फर्स्ट स्टॉप, आर फर्स्ट स्टॉप एंड दिस इज ग्रीन वैली एंड दिस इज द ओपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड लुक एट द व्यू। ओके गाइस, सो फर्स्ट स्टॉप तो हमने कर लिया है, जो ग्रीन वैली थी वो के लिए बहुत ही अच्छा था। एंड कैसा था अमित, कैसा लगा? बहुत अच्छा रहा। मैं कैमरे से आप लोगों को वो व्यू नहीं दे सकता क्योंकि कैमरा उस चीज़ को जस्टिस नहीं करता है यहाँ पे, वो अगर आप खुद आकर के अगर आप देखते हो ना तभी वो चीज़ आप जस्टिफिकेशन नहीं है, तभी वो आप फील कर पाओगे यार। और ऐसे रोडों पे चलने का अलग ही सोएगा, मतलब अलग ही फील है। अब मैं तो जरूर कहूँगा यार लाइफ में एक बार तो आओ, एक बार क्या मतलब बार बार आओ। चलो अब जरा नेक्स्ट स्टॉप पे भी देख लेते हैं क्या क्या है एंड आई होप कि मनाली हमें काफ़ी कुछ अच्छा देगा आज हमें देखने के लिए आला है। और सॉरी यार शिमला हमें काफ़ी कुछ अच्छा अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छी अच्छी साइट सीन्स हमें देगा देखने के लिए एंड आप लोगों के लिए एक अच्छा से एक प्यारा से मैं ब्लॉग बना सकूँगा जिससे आप लोग इन्जॉय करोगे। सो या
लेट्स गो। एंड पता है यहाँ की जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ है वो ये है कि जो आसपास ये देख रहे हो ना, ये जितने भी ये जो पेड़ है, ये भैया ये किस चीज़ के पेड़ है? सीधार। सीधार, सीधार के जो ये जो पेड़ है ना, इनके पीछे से जो देवदार के, देवदार देवदार के जो ये जो पेड़ है ना, और इनके पीछे से जो ऐसी ऐसी घूमती हुई जो रोड गई है यार, इसका तो क्या ही बोलने, अलग ही चीज है। इसमें पता क्या है, इसमें आप अगर बाइक लेकर के आओगे ना तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। गाड़ी में इतना मज़ा नहीं आता, बट अगर बाइक से अगर आप आ रहे हो तब तो मतलब फुल टू एंजॉयमेंट है। नेक्स्ट टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ यार नेक्स्ट टाइम बाइक से ही आऊँगा। ओ फक, सीरियसली यार, सच्ची में बहुत ना, जूते वैसे ख़राब हो जाएंगे, बट आई डोंट केयर अबाउट जूते, शूज का तो कुछ करना ही नहीं है, सारे ख़राब हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नए ले लूँगा, वैसे मैं नए वाले पहन गया, कोई इशू नहीं है। लुक एट दिस व्यू, एक बार देखो ज़रा, ओ माय गॉड, ये मुंह से धुआं तक निकलने लगा है। सच्ची में यार, यार बर्फ छूने को मिल सकती है? अबे वो आगे मिल जाएगी यार, आगे नीचे जा नहीं सकते, बट चलो चलो मैं आगे ट्राई करूंगा कि यार बर्फ, हाँ आगे और भी बर्फ मिलेगी, बट यार दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी। सच्ची में टेम्परेचर इस टाइम पे अराउंड 2-3 degrees होगा, एंड 2-3 दिन पहले ही यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था, एंड हम लोगों ने बहुत सही टाइम चुना है आराम से आने का, ना स्नोफॉल हो रहा है, बट स्नोफॉल हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, थोड़ा सा मज़ा ले लेंगे बाकी का। एंड लुक एट दिस मैन, हिमालयन रेंज, ये पूरा जो है ये पूरा आपका हिमालयन रेंज में आता है ये। सच्ची में यार बड़ा मज़ा आ गया। बरखोरदार, अभी ये तो शुरुआत है, हम आपको आगे आगे और भी बहुत कुछ दिखाएंगे, समझे क्या? तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, और अभी हमारे जूते हो गए खराब, ये देखो हमारे जूतों में मिट्टी लगती हुई, और अभी हम बस एक मिनट में बच गए थे, नहीं तो अभी हम ठुक जाते हैं, ये ट्रक वाले भाई साहब हमको जो ठोक देते तो इससे पहले हमको कोई ठोके हम निकलते हैं, और हमारे जूते खराब हुए, कोई बात नहीं, हमारे जूते खराब हो गए कोई इशू नहीं है, बट ओके ऑल राइट। सो भैया ने एक बड़ी अच्छी डील दिलवाई थी, एंड उसमें सारे के सारे एडवेंचर जो भी हैं, स्कीइंग से लेकर के एंड आपका ट्यूब स्लाइड होगा, हॉर्स राइडिंग होगा, सारी चीज़ है, एंड स्नो ड्रेस भी रहेगी, मतलब पूरा शूज वगैरह सारी चीज़ ये लोग देंगे। भैया ने रेट डिस्क्लोज करने के लिए मना किया, सो रेट नहीं बता सकता, बट हाँ काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट दे दिया, चलता है यार। एंड अब तो एडवेंचर कुछ अच्छा ही करके जाएंगे, बाकी का ट्राई करता हूँ। गोप्रो यार से भी उसका आई थिंक मेमोरी कार्ड उसका यार करप्ट हो गया है, ट्राई करूँगा आगे से अगर मेमोरी कार्ड मिल गया तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा आपको व्यूज़ देखने को मिलेंगे गोप्रो से। सो लेट्स गो, अगर नहीं मिलता कोई बात नहीं, मैं इसी से मैं ट्राई कर लूँगा। सो बाकी का ये हमारा आदमी तैयार होने लगा है, मिशन पर जा रहा है, कौन से मिशन पर जा रहा है ये बता, मिशन कश्मीर। और ये मिशन के लिए तैयार होता हुआ लड़का, और ये मिशन के लिए हम तैयार होते हुए दिस इज क्रेजी यार। अच्छा अंदर जाएगा, ये इट इज गोइंग टू बी क्रेजी मैन, सीरियसली अभी एकदम बंद गया हूँ, मेरा फोन भी अंदर ही रह गया, मैं सोचा कि फोन निकाल लूंगा, कोई बात नहीं अब रह गया सो रह गया, अंदर ही रहने दो। अरे बाप रे, अमित लुक एट हिम मैन, हमारा पांडा लग रहा है, तेरे को पटक के मारूंगा। दिस इज हाउ आई एम लुकिंग, एंड शूज तो यार कुछ ज्यादा ही, अबे किस साइज के है, फील हो रहा है बिल्कुल भी, और वहाँ कसम बैठने में तो अलग ही, यार ज़्यादा टाइट है, टाइट नहीं मतलब वो थोड़ा सा वैसे होने में, आज फाड़ में आने वाला है भाई साहब, ये ब्लॉग स्किप मत करना, पूरा देखना जो फाड़ में आने वाले हैं। अब पैसे तो वसूल करने हैं यार, पैसे खर्च किए तो अब, और जब स्नो के टाइम पे आए, ओह सो लुक एट दिस,
पूरा स्नो यार, इट गोना बी क्रेजी। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। ओह जिंदा हो गया वापस से, क्योंकि जो मर गया था गोप्रो दोबारा जिंदा हो गया। और पता लगा कि यार उसका जो हमारा कार्ड था ना, जिस लड़के को दे रखा था, जिसको दे रखा था, उसने यार कार्ड ही ख़राब कर दिया। आई डोंट नो, वायरस आ गया था, पता नहीं क्या, वो पूरा कार्ड इनक्रप्ट हो गया, उसमें जो भी डाटा था सारा इनक्रप्ट हो गया, नया कार्ड लेना पड़ा। बट वही बात है यार, मजदूरी के नाम महात्मा गांधी वाली सीन हुई, 350 रुपये का 4 GB का कार्ड मिला, क्या करें अब। जहाँ अब 7-8 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, तो यार 350 रुपये और सही, कम से कम तुम लोगों के लिए यार एक अच्छा से ब्लॉग तो मिल जाएगा और एक अच्छी कुछ क्लिप्स तो आ जाएंगी, बस वही है बाकी का। तो यार चलते हैं, और अभी भाई साहब का सूट टाइट हो गया है पता नहीं रास्ते में ये बड़ा या फिर इसका सूट श्रिंक हुआ, पता नहीं क्यों, वहाँ पर इसको कम्फर्टेबल था, रास्ते में टाइट हो गया, तो अब दोबारा चेंज करने जाएंगे, फिर जाएंगे वापस से। Look at this snow, man. Oh my god. Oh my god. Oh. ये बिल्कुल फ्रेश बर्फ है जो ये गिरी है, 1 inch की मोटी बर्फ है। Oh fuck. Oh. और हम ये ऊपर आते हुए, ओह माय गॉड, और ये सारी फ्रेश स्नो है, आज रात को ही पड़ी है क्या भाई। इस जगह का नाम कुफरी है, अगर आप इसका, भैया कौन सी जगह थी वो जो जहाँ पे हम लोग नहीं चल रहे हैं, 45 किलोमीटर जो थी जी, जो 45 नारकंडा, नारकंडा वहाँ पे तो और भी ज़्यादा तगड़ी स्नो फॉल हुई है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सही है। अभी हम लोग प्लान बनेगा नहीं बनेगा, लेट्स सी, पहले यहाँ पे कर लें उसके बाद में देखते हैं। मुझे नहीं पता आगे के लिए बैटरी बचेगी नहीं बचेगी, बट अबे कर क्या रहा? तुम साले एक्सीडेंट करना चाह रहे हो क्या, ये बता दो पहले मुझे, जहाँ सामने जा रहा उधर ही चल रहे हो।